जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्यू स्नूकर। और बड़ी इंटरेस्टिंग आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ, और सबका फेवरेट टॉपिक है कि ग्रिप, कि ग्रिप होनी क्या चाहिए, क्यों की, और शॉट कैसे खेलनी चाहिए। और इसके ऊपर बहुत से वीडियोस मैं बना चुका हूँ, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर आप लोग पूछते हैं और फिर मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा काम है। फिर भी किसी को मजीद समझ नहीं आती इस वीडियो के बाद, तो मुझसे वन टू वन कोचिंग ले सकता है ऑनलाइन, या मेरे पास इस्लामाबाद आके। ऑनलाइन आप दुनिया के किसी भी हिस्से से ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं पूरी दुनिया में कोचिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन, आप लोग भी ले सकते हैं। सो करना क्या है बेसिकली, आपने कि ग्रिप के ऊपर चलते हैं। अब ग्रिप क्या है कि ये आपका क्यू है आपके पास, और ये आपने क्यू पकड़ लिया। ग्रिप का वर्ड मैं थोड़ा सा दिल से खुशी से नहीं लूंगा, क्योंकि इसका नाम ही उन्होंने ग्रिप रख दिया, क्योंकि ग्रिप जो है वो रिलक्टेंट इसलिए मैं हूँ थोड़ा सा इसका नाम लेने में, क्योंकि ग्रिप का मतलब आ जाता है कि किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना, कि आपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलना है तो ग्रिप करके इसको खोलना है, यानी कि ज़ाहिर उस पर जोर लगाएंगे तो वो दरवाज़ा खुलेगा, या कोई भी चीज़ आपने उठानी है इसको टाइट ग्रिप करके उठाएं, कोई वजनी चीज़ उठानी है, आपने बकेट उठानी है, बाल्टी उठानी है, तो ग्रिप करके आप उठाएंगे, बट दैट इज़ टू टाइट। स्नूकर में ग्रिप का वर्ड है, बट एक्चुअली ग्रिप नहीं है, इट्स लाइक होल्डिंग यू क्यू। आपने क्यू को होल्ड करना, आपने इसको टाइट नहीं करना, ठीक है, आपने बिल्कुल होल्ड करके इसको रखना है कि आपके हाथ से क्यों स्लिप ना हो और आराम से आप शॉट खेल सकें। सो ग्रिपिंग इज अ रॉन्ग वर्ड। अब होना दूसरी अगली गलती क्या होती है, लड़के क्या करते हैं कि वो शॉट में गए, वो हाथ को ऐसे करके शॉट खेल रहे होते हैं, या वो हाथ को ऐसे करके शॉट खेल रहे होते हैं, वो काफ़ी बेहतर भी खेल रहे होते हैं, 25-30 भी खेल रहे होते हैं, लेकिन उनका चूंकि एक जो नेचुरल आपके हाथ की शेप है उसको ऑफ कर लेते हैं वो ऐसे या ऐसे करके, जिसकी वजह से उनकी सारी गेम इम्प्रूव नहीं हो रही होती है, एक लिमिटेड लेवल के ऊपर रहते हैं। सो ग्रिप को चेंज करके हम होल्डिंग द क्यू के ऊपर बात करते हैं कि हमने क्यू को होल्ड कैसे करना है। तो आपने सिंपल साइज क्यू को आपने यहाँ से पूरे हाथ में पकड़ना, रिलैक्स रखना, टाइट नहीं करना, और आपने होपफुली एक शॉट भी खेल के दिखा देते हैं आपको कि आपने रिलैक्स होकर शॉट की डिलीवरी कैसे करी। ये देखिएगा, ठीक है, और ये देखिए बिल्कुल मैंने रिलैक्स ग्रिप की हुई है, मैंने कोई इसमें कोई जबरदस्ती ग्रिप के साथ या क्यू के साथ नहीं हो रही, देखिएगा, ठीक है, ये गए, ये आपने शॉट खेल दी, रिलैक्स, पूरी शॉट भी हो गई, डिलीवरी भी पूरी हो गई, और बॉल भी हमारा पॉट हो गया। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि ग्रिप पे खामखा कंफ्यूज मत हो, होल्डिंग योर क्यू पर रखें, होल्ड करें बस, इसको मुक्का मत बनाएं इसको बिल्कुल बहुत ज्यादा, या बिल्कुल आपने ऐसे भी नहीं रखना कि बिल्कुल हल्का सा क्यू पकड़ के आपने शॉट खेल दी और क्यू उधर चला गया, वाइट उधर चला गया, क्योंकि स्नूकर एक पॉजिटिव गेम है, इट रिक्वायर्स योर फिजिकल फिटनेस, आपकी हर मसल की फिटनेस आपकी रिक्वायर्ड होती है, क्यू आर्म की, आपकी फिंगर्स जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर आप शॉट अच्छी खेल सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प। फिर भी आपको समझ नहीं आती, वन टू वन कोचिंग के लिए मेरे से रब्ता कर लें, ऑनलाइन कोचिंग दुनिया के किसी भी हिस्से से ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे 900 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, उसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म स्पेशली फेसबुक पेज पे बहुत ज़्यादा हमारे 25,000 फॉलोअर्स हैं, उसको मजीद उसमें वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें डालें, बहुत सी चीज़ें हैं उसके अंदर, मजीद उसके अंदर लाइव मैचेस भी हैं और लाइव इंट्रैक्शन मेरा बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, तो आगे चल के आपको मजीद भी लाइव इंट्रैक्शन मिलेगा, और क्वेश्चन आंसर्स आपके जितने भी हैं वो मैं अपने लाइव सेशंस में कंप्लीट कर रहा हूँ। सो मेक श्योर करें कि लाइव सेशंस को जरूर ज्वाइन कर लिया करें। होपफुली अब मैं प्लान करके आपको पहले से बताया करूंगा कि कल इतने बजे मेरा लाइव सेशन है, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, ऑफकोर्स सेपरेटली रेंडमली हम किया करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।